नौ वर्ग के प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज जो है संस्कृत पीयूषम का प्रथम भाग, प्रथम पाठ स्तुति, इस स्तुति पढ़ाया जा रहा है। इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस स्तुति प्रथम पाठ का शीर्षक है, जिसका अर्थ है ईश्वर की प्रार्थना। इस पाठ में ईश्वर की प्रार्थना की गई है। उपनिषद भगवत गीता च इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भागवत गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकान ऋषिणाम विचारान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है अनेक ऋषियों के विचारों को व्यक्त करते हैं। भागवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। और भागवत गीता में केवल कृष्ण के उपदेश व्यक्त है। उपनिषदि उभयापि परमात्मन सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। दोनों ही भागों में सर्वशक्तिमान ईश्वर की संपन्नता को दिखलाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उनकी स्तुति है। पहले उपनिषद से लिए गए श्लोक हैं। प्रथम श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान् विभेति कुतश्चन। प्रथम श्लोक में यह व्यक्त है कि जहां से वाचो वाणी, मनसा सह मन के साथ, जहां से मन का साथ वाणी न पाकर लौट आती है, वैसे तथ्य को, वैसे रहस्य को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण न विभेति कुतश्चन, किसी से नहीं डरते हैं। जैसे मरणोपरांत मन और वाणी एक साथ नहीं हो पाती, वैसे परम तत्व को जानने के बाद, वैसे रहस्य को जानने के बाद विद्वान लोग किसी से नहीं डरते हैं। दूसरा श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद से। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। दूसरे श्लोक में व्यक्त है असतो मा सदगमय। मा मन मुझे, असत्य से सदगमय सत्य की ओर ले चले। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य मार्ग की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञानता। अज्ञानता और अंधकार से ज्योतिर्गमय प्रकाश और ज्ञान की ओर ले चले। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु नश्वरता से अनश्वरता की ओर, अमरता की ओर, जो नाशवान है उससे स्थिरता की ओर, जो मृत्यु है उससे अमरता की ओर ले चले। हे परमात्मा, हमें उस दिशा की ओर ले चले। तीसरा श्लोक है श्वेताश्वरोपनिषद से।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा करणाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि एक ही देवता है, सर्वभूतेषु गूढः सभी जीवों में सभी प्राणियों में विद्यमान है, एक ही देव एक ही आत्मतत्व सभी जीवों में विद्यमान है, सर्वव्यापी हर जगह व्याप्त है, सर्वभूता अंतरात्मा सबकी अंतरात्मा में विराजमान है, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास सभी जीवों में रहते हुए कर्म के साक्षी रूप में विराजमान है, कर्म के साक्षी है, कर्म कुकर्म जो करते हैं सबको देखने सुनने वाले हैं, जो सबके हृदय में स्थित है। चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये साक्षी हैं हमारे किए गए कर्मों के और इनका रूप निराकार है, निर्गुणश्च निराकार निर्गुण, इनका कोई गुण नहीं, शरीर में स्थित होने पर अनेकों गुण है, केवल निराकार है, लेकिन हमारे सभी किए गए कर्मों कुकर्मों को देखते हैं। अगला श्लोक भागवत गीता से लिया गया है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भागवत गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, ये परम पुरुष परमात्मा आदिदेव पुरुष पुराण, आप जो हैं आदिदेव हैं, प्राचीन पुरुष पुरुषोत्तम आदिदेव है, प्रारंभिक देवता। वन अस्य विश्वस्य परम निधान, तुम इस संसार के परम निधि हो, हे प्रभु आप जो है इस संसार के परम निधि हैं, परम खजाना है। वेत्ता सिवेद्यम च परम च धाम, विद्वानों के भी विद्वान, सबको जानने वाले और सर्वश्रेष्ठ धाम है, आपसे बड़ा कोई धाम नहीं है। त्वया ततम विश्वमनंत रूप, आपके द्वारा ही यह अनंत संसार व्याप्त है, आपके द्वारा ही संसार व्याप्त है, संसार में आप अनेकों रूपों में विद्यमान हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि नमः पुरण पुरस्ताद अथ प्रेष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वेयामित विक्रमस्तम सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे परमात्मा, आपके पुरह आगे से, आपको हम आगे से नमन करते हैं, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, आपके आगे से पृष्ठ पीछे से, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व और सभी ओर से, चूंकि हम अज्ञानी हैं, आपका आगे पीछे ऊपर नीचे हम नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हम सब ओर से आपको नमन करते हैं, चारों तरफ से हम आपको नमन करते हैं। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यावित विक्रमस्तम, आप वीरों में अत्यंत बलशाली अत्यंत पराक्रमी शक्तिशाली हैं। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व, आप में ही सभी समाहित हो जाते हैं, आप सबको समाप्त करने वाले हैं, आप में सब समा जाते हैं। अतः ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं। प्रथम पाठ की स्तुति में पांच श्लोक हैं,
ये पांचवें श्लोक का संपूर्ण हो गया। श्लोक का अर्थ अगले दिन लिखाया जाएगा, इसे आप लोग